हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आप लोगों का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक निकालने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना कि एक ही बार में आप इसको 1 घंटे 2 घंटे में समझोगे। मैं आपको 1 मिनट में बता के चला जाऊंगा कि जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि 73 की पावर हमने क्या करना है, 73 की पावर लेनी है हमने कितनी, 104, या फिर 24 की पावर 23, या फिर 78 की पावर 33 है ये, 78 का पावर 79। तो इनका अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो आप सबसे पहले क्या करिए, कुछ मत सोचो, कुछ भी दिमाग में साइक्लिसिटी क्या है, इसका साइक्लिसिटी, उसका साइक्लिसिटी, कुछ मत सोचो। सोच लो कि जो भी पावर है ना, उसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, और हमें शेष फल निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेष फल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो 104 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेष फल कितना जाएगा, शेष फल आएगा आपका, 104 को डिवाइड करिए, 104 को डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, शेष फल आ जाएगा आपका 0, राइट। या फिर 23, अब आपको पावर को ही डिवाइड करना है, 33 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेष फल कितना आएगा, 1, राइट। और जब आपके पास 79 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेष फल कितना आ जाएगा, 3। शेष फल 3 आएगा कि नहीं, आप चेक कर लो कि 19 चौक 76 होता है, फिर 3 बच गया, 80 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता। तो इस रिमाइंडर का क्या करना है, शेष फल का क्या करना है, देखो जब भी शेष फल 0 आएगा उसके केस में, ये केस थोड़ा सा अलग है, बाकी अगर आपका शेष फल 1 आए, 3 आए, या फिर मैं एक और एग्जाम्पल यहां पर लिख दूं कि शेष फल कई बार 2 भी आ सकता है ना, तो इस वाले एग्जाम्पल को एक बार के लिए एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कि मान के चलो 52 raised to power 54। तो अगर आप 54 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो अब आपका शेष फल कितना जाएगा, 2। तो जब आपका शेष फल 1, 2, 3 आए तो आपका एक रूल बनेगा, और एक जब 0 आए तब एक रूल बनेगा, ठीक है। तो इन्हीं 2 रूल में सारा का सारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब रूल क्या है कि जैसे इस वाले पार्ट को तो मैं हटा देता हूं, अभी इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं कि यहां पर जो रिमाइंडर आ रहा था ना, तो यहां पर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ रहा था आपका 1, तो 24 के ऊपर पावर लगा दो 1। अब देखो यूनिट डिजिट का जो पार्ट होता है, यूनिट डिजिट केवल और केवल यूनिट डिजिट पर डिपेंड करता है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो 4 के ऊपर 1 पावर, तो यूनिट डिजिट आएगा 4। ऐसे ही जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था आपका, 3, तो 78 के ऊपर पावर 3 लगाओ, इसका कोई मतलब है नहीं। अब 8 की पावर 3 512 होता है ना, तो 512 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो काम का नहीं है, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 2। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिखा था, 52 raised to power 54। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 52 के ऊपर रिमाइंडर आ जाएगा 2, पावर लगा दो 2, तो इस वाले पार्ट को हटा दो, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका, 4। तो ये डेफिनेट कभी भी गलत नहीं होगा आपका, कभी भी गलत नहीं होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, है ना। अब आप देखिए कि अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो इसका जब आप रिमाइंडर निकालोगे 0, तो भाई अगर मैं 9 के ऊपर 0 पावर लगा दूंगा तो थोड़ा सा अभी तो कोइंसिडेंटली आंसर सेम आ जाएगा, क्योंकि कोइंसिडेंटली आंसर सेम आ जाएगा, है ना, ऐसा पॉसिबल है कोइंसिडेंटली आंसर सेम आ जाए। बट ध्यान रखना कि अगर जैसे मान के चलो यहां पर ये सबसे पहले मैं ये सॉल्व करता हूं, 12 की पावर 36, तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 12 की पावर तो 0 लगेगा, और किसी की भी पावर 0 क्या देती है, 1। अब 2 का यूनिट डिजिट कभी 1 हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है ना, तो वो तुक्के से तो सही हो सकता है, तो इसको आप ऐसे कैंसिल आउट करो, 0 नहीं लगाना है। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा ना, रिमाइंडर जो आ रहा है हमारा, रिमाइंडर 0 है, तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट जो डिजिट है उसके ऊपर जो पावर लगेगी वो हमेशा 4 लगेगी। तो यूनिट डिजिट क्या है, 2, 2 के ऊपर 4 पावर लगा दो। यूनिट डिजिट क्या है, 7, 7 के ऊपर 4 पावर लगा दो।
यूनिडिजिट क्या है? नौ, नौ के ऊपर चार पावर लगा दो, तो जो जैसे नौ होता है तो आपका क्या होता है ये 81 into 81, तो यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा 1, यहां पर क्या होगा ये 49 into 49, तो 9 into, अब आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको ना, 7 raised to power 2, 7 raised to power 2, ये क्या बन गया आपका 49 into 49, तो 9 into 9 आपका फिर से क्या देगा 1, है ना। तो अगर आप यहां पर जीरो पावर लगाते तो कोइंसिडेंटली आंसर तो सही आता, यहां पर भी सही आता, राइट, बट यहां पर गलत हो जाता। तो आपको क्या करना है, जब रिमाइंडर जीरो आता है तो पावर चार लगानी है, बाकी रिमाइंडर 1 2 3 आएगा तो वो एज इट इज लगा देने हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं कहूं कि 36 की पावर अगर मैंने कहा 24 है ना, तो आप क्या करोगे, 6 के ऊपर पावर क्या लगाओगे, 4, सीधे सीधे, और 36 × 36 वापस से लास्ट में 6 देता है, तो ये यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 2 की पावर 4, तो यहां पर भी 6 आएगा, है ना। और अगर आप 24 के ऊपर भी करते पावर 4, तो अगर मैं यहां पर कहूं कि 24 की पावर 12 है, तो फिर से यहां पर क्या होता, 4 की पावर 4। तो एक और बात आपको समझ में आ रही होगी कि 4 की पावर 4 यहां पर मैं लगाऊंगा तो ये क्या हो गया, 16 × 16, तो फिर से 6 आने वाला है ना। तो देखो आपके पास, और 2 और 4 और 6 और 8 के ऊपर भी लगा दो अगर पावर 4, तो 8 के ऊपर पावर 4 लगाओगे तो क्या होगा, 64 × 64, फिर से 6। मतलब अगर 2 4 8 6 8 इन सब के ऊपर पावर 4 लगाओगे तो हर बार 6 आएगा, और अगर आप 3 के ऊपर पावर 4 लगाओ और 7 के ऊपर पावर 4 लगाओ और 9 के ऊपर पावर 4 लगाओ, इन सब में 1 आएगा, बाकी 5 में तो 5 आता ही है। तो एक पूरा का पूरा डिटेल्ड एक ही सिंगल फॉर्मूले से आपका हो गया कि भैया 4 से डिवाइड करने के बाद 0 आएगा, तो सबके ऊपर 4 लगा देनी है, यूनिट डिजिट निकाल देना है, और अगर 1 2 3 रिमाइंडर आएगा तो उनके ऊपर पावर 1 2 3 लगा के यूनिट डिजिट निकाल देना है। यही होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूं कि अगर आप ऐसे बेहतरीन शॉर्टकट सीखना चाहते हैं तो हमारे आधार बैच में जरूर एनरोल करें, और एकदम डिटेल में। ये तो बहुत बहुत कम लेवल था, मैं आपको ऐसे भी सिखा सकता हूं कि 24 के ऊपर पावर 37, 37 के ऊपर पावर फिर से 39, तो इसका भी यूनिट डिजिट सिखाया जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे ये सब चीजें, आप जब बैच खरीद लेंगे तो आपको जीरो से लेके, एकदम जीरो से लेके हीरो वाली फीलिंग तक आपको ये कोर्स रहेगा। जीरो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हीरो मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल का काम कर सकते हो, अपने एरिया में बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। तो एकदम जीरो से लेके level 1, level 2, level 3 इस तरीके से पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर आप 27 नवंबर से पहले इसको लेते हैं तो केवल बैंक 60 कोड यूज करके 1599 रुपए में मिल रहा है, अदरवाइज ये 4000 रुपए का कोर्स है, और ये 4 महीने का है, ये दिसंबर से लेके मार्च तक चलेगा आपका। तो दिसंबर फर्स्ट वीक मतलब मंडे से, दिसंबर 5 से स्टार्ट हो जाएगा और आपका चलेगा ये मार्च तक। तो आप सभी लोग इस बैच में जरूर एनरोल करिए अगर आप 2023 में सरकारी जॉब लेना चाहते हैं। तो ये सभी कोर्सेज को कवर करेगा, जितना भी बैंकिंग है, FCI है, LIC है, चाहे क्लर्क हो, चाहे वो PO लेवल हो, प्री टू मेन सब, और इसका वैलिडिटी 1 साल रहेगा। क्लास PDF, प्रैक्टिस PDF, लाइव मॉक और डाउट सेशन सब कुछ मिलेगा। और बाकी आजकल एक और ऑफर चला हुआ है, पुराने जितने भी कोर्सेज हैं उन पर 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, एग्जाम 75 कोड यूज करने से। उसमें आपका स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर या IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर या मिशन SBI PO या फिर आपका FCI का phase 1 phase 2 या FCI का phase 2 का बैच है, या फिर अभी जो नया बैच स्टार्ट हुआ है FCI का प्रो वाला बैच, ये भी अवेलेबल है, जो केवल अकाउंट्स के लिए लेना चाहो तो 499 रुपए का है केवल। और अगर आप SBI क्लर्क मेंस का बैच लेना चाहते हो, क्योंकि प्री आप लोगों ने दे लिया है, तो केवल 250 रुपए में चारों सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करवाई गई है। तो इस तरीके से इस मौके को भी आप जाने ना दें, जो आपको लगता है। तो ये मिनिमम प्राइसेस हैं क्योंकि प्री टू मेंस आपको सब कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर, तो इतने कम रुपए में आपको कोर्सेज कहीं नहीं मिलेंगे। और ये कहाँ से खरीदने हैं, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से। सो दिस इज ऑल
फॉर दिस सेशन। आप इस सेशन को सभी फ्रेंड्स के साथ, जो भी यूनिट डिजिट का पार्ट सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा और अपने कमेंट में बताइएगा कि ट्रिक आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।